हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत एजुकेशन में। तो आज था बच्चों आपका हिंदी का पेपर, तो पूरे हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन मैं अभी आपके सामने बताने वाला हूँ। देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के पेपर का सॉल्यूशन। तो देखो कैसे होगा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखिए, आपको पहले पैसेज था, इसके अंदर आपको यहाँ पे निम्नलिखित वाक्य पूर्ण कीजिए, इसका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर बच्चों देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये आपका आंसर यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक है, नंबर वन का आंसर है। और दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों आपको देखो यहाँ पे मिल सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए, यहाँ से मेरी दूसरी टांग भी टूट गई, यहाँ से लेकर गई यहाँ तक इसका आंसर आना चाहिए था। फिर हमदर्दी जताने वालों की फिक्र करने वाला लेखक, फिर यहाँ पे आएगा लोग, यहाँ पे इसका आंसर है बंधन पाला जाता है वो जनरल वार्ड, दर्द के मारे। मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि अभी आपका पेपर हो चुका है, आपको सिर्फ अभी आंसर से मतलब है, दर्द के मारे। फिर आगे अगर आगे बढ़ते हम लोग, तो वक्त समय अधिक ज़्यादा, आप और भी कुछ ढूंढ के लिख सकते हो उसमें से, बट ये उसका परफेक्ट आंसर है। गद्यांश में प्रयुक्त दो उर्दू शब्द, हमदर्दी औपचारिकता, आपको इस तरीके से आंसर लिखने थे। फिर ये आपका सहमत है, आपको यहाँ पे आपके लैंग्वेज में लिखना था प्रॉपरली। फिर यहाँ पे उत्तर लिखिए, शरीर श्रम, बौद्धिक श्रम, संपत्ति और श्रम, इस तरीके से इसका आंसर आ जाने चाहिए थे दोस्तों। गद्यांश में उत्तर लिखित यज्ञ, संपत्ति दान यज्ञ, भूदान यज्ञ, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आएगा आंसर अस्पताल, और यहाँ पे और एक आंसर आएगा इसका सामाजिक कार्य में अस्पताल और विद्यालय, इस तरीके से इसका आंसर होना चाहिए था। यहाँ पे सूचना के अनुसार कृतिकरणी शब्द था श्रम, उपसर्ग आएगा आश्रम, प्रत्यय आएगा श्रम दान। गद्यांश में शब्दयुक्त ढूंढकर अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए, बड़े बड़े, तो यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो और आप उसको कर सकते हो बच्चों, यहाँ पे आंसर है बड़े बड़े करो। यहाँ पे फिर सहमत हो, आपको आपके इसमें लिखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आंसर आएगा मेघनाथ साहा, और यहाँ पे आंसर आएगा निखिल, और यहाँ पे आंसर आएगा निखिल रंजन सेन। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दल सबुज पत्र, यहाँ पे आएगा प्रथमा चौधरी। फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं सॉल्यूशन। फिर वचन में यहाँ पे देखिए, सत्य दान शक्ति देव, इस तरीके से इसका आंसर आना चाहिए था। पराजय का अपोजिट वर्ड यहाँ पे आएगा विजय। भारत एक वचन है, भुजाए अनेक वचन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको सत्य असत्य बताने का था, यहाँ पे असत्य सत्य असत्य सत्य, इस तरीके से इसके आंसर आने चाहिए थे। दुष्ट का आंसर आएगा खल, विद्वान का आंसर आएगा सज्जन और बुध। यहाँ पे लिंग पहचान कर, बूंद पुल्लिंग गिरी श्रीलिंग, इस तरीके से इसके आंसर आ जाने चाहिए थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे नंबर लिख के रखे है 1 2, ये साथ में कंटिन्यूअस आंसर है, आपने इसी में से आंसर लिखे होंगे, होप्सो इसमें से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए जोड़िया मिलाना है, जोड़िया खिलखिलाता फूल आएगा, प्रेरणा भीतरी आएगा, कुंठा खारा आएगा, यहाँ पे जल पावन आएगा मन। आगे बढ़ते हैं, तुम कॉलेज में पढ़े हो, इसका आंसर दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम आना चाहिए था। आगे यहाँ पे आपको अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करने हो, आपने आपके हिसाब से किए रहेंगे, इसलिए मैंने उसका आंसर नहीं दिया है। महा प्लस आत्मा, महात्मा, और इसका आंसर आएगा स्वर संधि। आगे बढ़ते, यहाँ पे लिखना था दुस्साहस का आंसर, दुस प्लस आहस व्यंजन संधि, इसका आंसर आ जाना चाहिए था। हम आगे बढ़ गए जाना, और यहाँ पे मैंने दरवाजा खोल दिया, यहाँ पे है देना, गए जाना, गए जाना। फिर चलना चलाना चलवाना, मिलना मिलाना मिलवाना, इस तरीके से इसका आंसर आना चाहिए था। टांग अड़ाना, बाधा उत्पन्न करना, गला फाड़ना, जोर जोर से चिल्लाना, इसका मुहावरे में अर्थ आपने आपके हिसाब से किया ही होगा। आगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके रखा है, इसके जगह पे यहाँ पे आपको करना था। मकान पर मकान लदे है अधिकारक, अधिकरण कारक, और यहाँ पे है संप्रदान कारक, इस तरीके से इसके आंसर आने चाहिए थे। फिर आगे बढ़ते दोस्तों, देखो यहाँ पे कॉमा आएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, इस तरीके से इसका आंसर आना चाहिए था। फिर सामान्य भविष्यकाल, मानू को ससुराल पहुँचाने में जाऊँगा, इस तरीके से आएगा। दोनों ही देर तक फूट फूट कर रो रहे थे, वे पुस्तक शांति से पढ़े, इतना आसान भाषा में इसका आंसर आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर है मिश्र वाक्य, इसका आंसर है मिश्र वाक्य। फिर यहाँ पे देखिए, परिचय के बिना किसी को दाखिल करना नहीं चाहिए, क्या थोड़ी देर बात हुई, इस तरीके से इसका आंसर आएगा।
फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे का का मैंने की कर दिया है, आती कर दिया है, यहाँ पे आई का आए कर दिया है, यहाँ पे ठीक कर दिया है, और यहाँ पे लास्ट में खुली आना चाहिए था। तो इस तरीके से सारा ऑब्जेक्टिव पेपर का सॉल्यूशन दोस्तों मैंने आपके सामने रख दिया है। आगे जो आपका उपयोजित लेखन है वो तो आपको आपके लैंग्वेज में लिखना ही था प्रॉपरली। तो इस तरीके से हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ, आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। हर एक पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।